जोधपुर विमान आईटीबीपी कैंप में एक विमान के यात्री रवाना हो चुके हैं, दूसरे विमान की स्क्रीनिंग फिलहाल चल रही है। तो आईटीबीपी कैंप में फिलहाल स्क्रीनिंग चल रही है। हमारे सहयोगी केजे श्रीवत्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीवत्सन, और क्या जानकारी है इस खबर पर? जी देखिए, कुछ दिन पहले जैसलमेर में भी इसी तरह से कुछ भारतीय जो विदेश में रह रहे थे लगातार परेशान थे, उन लोगों को लेकर, करीब 450 ऐसे यात्री थे, उनको लेकर इंडियन एयरलाइंस का एक विमान जैसलमेर पहुंचा था। आज तेहरान से ये एक विमान आया है जिसमें करीब 250 से ज़्यादा लोग हैं, भारतीय लोग हैं। इन सभी की तेहरान से लाते वक्त भी एक तरह से स्क्रीनिंग की गई थी, जोधपुर हवाई अड्डे पर भी की गई है स्क्रीनिंग, और अब जो आईटीबीपी के कैंप है वहाँ पर भी की गई है। आर्मी ने इसे पूरा कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि आर्मी वाले बेहतर तरीके से इन लोगों को समझा पा रहे हैं, इन लोगों को पूरी जांच सुविधाएं दे पा रहे हैं आइसोलेशन प्लेस में, क्योंकि राजस्थान एक बड़ा रेगिस्तानी इलाका है और यही कारण है कि जोधपुर और जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी इलाकों को इन लोगों को रखने के लिए चुना गया था, क्योंकि वहां पर आबादी भी कम है, लोगों की तादाद भी कम है और रेगिस्तान का खुला इलाका है। तो ऐसे में इनका बेहतर तरीके से इनकी जाँच व्यवस्था भी हो पाएगी, और इसी के चलते राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर को चुना गया। और यहाँ पर करीब 450 पहले लोग आ चुके हैं और अब 250 से भी ज्यादा लोग कुछ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो भारत में ही नहीं, भारत में रहने वाले लोगों की सरकार सुविधा की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार को जैसे ही पता लग रहा है हिंदुस्तानी कुछ लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं वहां के देशों में, अब उन्हें कोरोना के चलते परेशानी हो रही, तो उनके प्रति भी मानवीयता दिखाई जा रही है। उनके परिजनों के कहने पर इन लोगों की सोशल मीडिया या किसी भी जरिए से अपील पर विदेश मंत्रालय तत्काल कार्रवाई कर रहा है और उन्हें यहाँ पर लाकर उनका समुचित पहले तो स्क्रीनिंग की जा रही है और उन्हें कुछ वक्त तक अपने कैंप में रखने के बाद उनके घर भेज दिया जाएगा। जी बिल्कुल श्रीवास्तव, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।